नमस्कार, आपका स्वागत है राजनामा टीवी पे। मैं पूनम आपके साथ। पटना में शुक्रवार को विपक्षी पार्टियों की पहली बैठक के बाद ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल शामिल नहीं हुए। वे प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले ही दिल्ली के लिए रवाना हो गए। उनके जाने के बाद आम आदमी पार्टी ने स्टेटमेंट जारी करके कहा कि कांग्रेस केंद्र सरकार के काले अध्यादेश पर अपना रुख साफ करे, नहीं तो उनके साथ किसी भी बैठक में शामिल नहीं होंगे। बिहार के मुख्यमंत्री निवास एक अणे मार्ग में हुई इस बैठक में 15 पार्टियों के नेता मौजूद रहे। ढाई घंटे की बैठक में कॉमन मिनिमम प्रोग्राम सीट बंटवारे को लेकर चर्चा हुई। विपक्षी पार्टियों की अगली बैठक शिमला में 10 से 12 जुलाई के बीच हो सकती है। सीएम आवास में ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि अगली बैठक जल्द की जाएगी। इसी बैठक में अंतिम रूप दिया जाएगा कि कौन कहां से कैसे लड़ेगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राहुल गांधी ने कहा, हिंदुस्तान के नींव पर हमला हो रहा है, बीजेपी आरएसएस आक्रमण कर रही है। मैंने मीटिंग में कहा कि हम सब एक साथ खड़े हैं, सब पार्टियों में थोड़े थोड़े डिफरेंसेस हैं, लेकिन एक साथ काम करेंगे। आज जो बातचीत की है उसे अगली मीटिंग में और आगे बढ़ाएंगे। इसी के साथ बने रहे राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।